सही भाई। हाँ सही भाई, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? देखिए यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा फील हो रहा है जी। अगर आप ऐसे ट्रैक पे घर से निकले हो तो आपको चाहिए कि आप अच्छे शूज पहने, अपने आप को फिट करके आए। हम जिस हिसाब से आए थे उससे यहाँ पे ज्यादा बर्फ मिली, बहुत ही ज्यादा। हम पूरे गीले हो चुके हैं, यहाँ पे हमने हाफ शूज पहन के आए हैं यहाँ पे। फिर भी हमने ये जगह सेलेक्ट की है, कुछ हमने पासी वासी का इंतजार किया है। यहाँ पे तकरीबन 2 फुट के आसपास यहाँ पे बर्फ है। अब ये सिलेक्ट जगह की है, हमारे रियाज भाई ने बोला ये जगह थोड़ा क्लियर कर देते हैं, हम बैठेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, जैसे ट्रैक पे आए हो या आना चाहते हो तो आप अच्छी तरह से बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड प्रिपेयर करके आइए, जो है मुजफ्फराबाद का इलाका पड़ता है जी। तो आप गूगल में भी मैप में भी देख सकते हैं जी, कोई झूठ नहीं है। अच्छा सही भाई, ये जो ये जो मतलब जगह है इस टाइम जहाँ पे हम इस बैठे हुए, इस जगह को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं गुट्टा डोरी जी। गुट्टा डोरी क्यों बोलते हैं? गुट्टा डोरी मुझे खुद इसके बारे में पता नहीं। ये ब्यूटीफुल जगह है, यहाँ पे पिकनिक स्पॉट है, पिकनिक स्पॉट इसके पीछे जाओ देख सकते हैं जी। बहुत बड़े बड़े मैदान है, इसके ऊपर है जो पिछले दिनों जो ट्रैक हुआ जी, जो गौशल हुआ वो यहीं से होते हुए हुआ ऊपर की तरफ, देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है गौशल। इस वगैरह वहाँ जा नहीं सकते, तकरीबन वहाँ 4-5 फुट बर्फ होगी। तो अब हम रियाज भाई से पूछते हैं उनको कैसा लगा यहाँ पे आके। तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया यहाँ पे, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट के साथ वो यहाँ पे गए थे ऊपर इन पहाड़ियों के पीछे, उन्होंने जगह पर एक्सप्लोर किया है। बहुत ही बड़े महंगी लड़के हैं। देखिए रियाज भाई ने फिर भी वो जो है वो गियर्स पहने हैं, तो हमने नहीं, हमने बहुत ही लाइट लिया। मुदसर भाई भी हमारे साथ है, व्यू बहुत अच्छा है। स्नो का जो मजा होता है वो घर में बैठ कर एंजॉय करना चाहिए। स्नो फॉल को अल्लाह का ये दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है, इसको एंजॉय करना चाहिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, नारा तकबीर।